छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं सिख परे दोहे, संत कबीर एवं रहीम जी के दोहे। तो देखिए, इन दोहों के माध्यम से संत कबीर और रहीम हमें क्या बताना चाहते हैं, वो इन दोहों के माध्यम से हम जानेंगे। संत कबीर और रहीम ने अपनी वाणी के माध्यम से सामाजिक बुराइयों और ऊंच नीच के भेदभाव पर चोट की है। उनके दोहे हमें सत्पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इनके दोहे हमें सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो चलो देखते हैं इन दोहों का अर्थ क्या है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। देखो, पहले दोहे में ही उन्होंने इतना बहुत ही अच्छा अर्थ दिया है। वो देखिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुमिरन का अर्थ है स्मरण। सुमिरन का अर्थ क्या है? स्मरण करना। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। भगवान का स्मरण हर कोई दुख आने पर ही करता है, पर सुख आने पर वो भगवान को भूल जाता है, कोई भी उसका स्मरण नहीं करता। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आपको जीवन में सदा सुखी रहना है तो आपको क्या करना चाहिए? सुख में भी आपको स्मरण करना आना चाहिए। पर मनुष्य जो है वो क्या करता है? दुख आने पर ही ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करता है और दिल से स्मरण करता है। यही उन्होंने अगर सुख में किया तो उसके ऊपर दुख का छाया नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए दुख की छाया उनके ऊपर नहीं पड़ेगी। तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, हो ही नहीं सकता, दुख उसको हो ही नहीं सकता अगर उसने सुख में सुमिरन किया तो। सुमिरन का अर्थ क्या है? स्मरण करना। दूसरा दोहा देखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। देखो, निंदक यानी निंदा करने वाले लोग, नियरे यानी समीप नजदीक, राखिए आंगन कुटी छवाय, कुटी का मतलब क्या है? कुटिया झोपड़ी, छवा यानी बनवाना, कुटिया बनवाना। तो देखिए, निंदक नियरे राखिए, हमारे आंगन में, हमारे आंगन के समीप कौन होने चाहिए? निंदा करने वाले लोग होने चाहिए। इनके कारण क्या होता है? देखिए वो क्या बोलते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, हमारे आंगन के समीप कौन होने चाहिए? निंदा करने वाले लोग, उनका घर होना चाहिए, उनकी कुटिया होनी चाहिए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। अब सुभाय का अर्थ क्या है? सुभाय का अर्थ है स्वभाव। तो स्वभाव हमारा जब तब बदलेगा जब हमारे आंगन के पास कौन होंगे? निंदा करने वाले लोग होंगे। हमारे घर के निकट, हमारे घर के नज़दीक अगर निंदा करने वाले लोगों का घर हो तो क्या करेंगे? वो हमारे दोषों को बताएंगे। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। जैसे कि हमारे शरीर का मैल अगर दूर करना है तो साबुन और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही अगर हमें अपने दोषों को दूर करना है, हमारे जो पूरे बर्ताव है, हमारा पूरा स्वभाव है, उसको अगर हमें अच्छा बनाना है तो हमें ये निंदा करने वाले लोग चाहिए। उनके द्वारा बताया जाता है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो हमें तभी पता चलता है कि हमारे दोष क्या है और उसे हमें निकाल कर हम अच्छे बन सकते हैं। तो बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभा, ये निंदा करने वाले लोग बिना पानी और साबुन बिना हमारे स्वभाव को निर्मल करते हैं, स्वच्छ करते हैं, इसलिए इनका हमारे निकट होना बहुत जरूरी है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। बहुत ही अच्छा अर्थ यहाँ पर दिया है संतों ने। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी क्या है? एक सुगंधित पदार्थ है जो कस्तूरी मृग की नाभि में पाया जाता है। कुंडली यानी क्या? कुंडली का अर्थ क्या है? नाभि के नीचे वाला भाग। बसे यानी बसा रहना, बसना। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। देखो, बन माही यानी जंगल, जंगल में मृग हिरण
कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कहाँ पर है? उसके ही नाभि में है, पर वो ढूंढता किधर है? पूरे जंगल में उसे ढूंढता रहता है। उस हिरण को जब पता चलता है कि सुगंध आता है कस्तूरी का, तो वो उसे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में चक्कर लगाता है, पर उसे कहीं भी वो कस्तूरी नहीं मिलती। वो उसी की नाभि में होती है पर उसे पता नहीं होता है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। देखो, वैसे ही अगर ईश्वर को ढूंढना है तो खुद के शरीर में हमें ढूंढना चाहिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। घट घट ऐसे घट घट राम है हर एक के शरीर में। घट यानी क्या? शरीर। घट का अर्थ यहाँ पर दिया है शरीर। तो ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं, पर दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे अंदर ही वो है, हर भगवान है, पर उसे ढूंढने के लिए हम चारों तरफ घूम रहे हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पर देखिए पोथी का अर्थ है पुस्तक। पढ़ी पढ़ी, पोथी पढ़ी पढ़ी, पढ़ पढ़कर जगमुआ, मुआ का अर्थ क्या दिया है? मुआ यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। पोथी पढ़ पढ़कर, पुस्तकें पढ़ पढ़कर लोग मृत हो गए, वो खत्म हो गए। पंडित भयानक होए, फिर भी वो पंडित नहीं बन पाए। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। देखिए इतनी पुस्तकें पढ़कर भी अगर आप में प्रेम का भाव नहीं होगा तो इतना पढ़ने का आपका जो प्रयास था वो सफल नहीं हो सका, वो असफल आप हो गए सब में। तो इसीलिए पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब आप प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ते हैं, प्रेम करना सीखते हैं और दूसरों से प्यार से बातें करना सीखते हैं, तब आप क्या होते हैं? सच में पंडित हो जाते हैं। पंडित का अर्थ क्या है? विद्वान। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। तो यहाँ पर देखिए गुरु, गुरु को कुम्हार का कुम्हार की उपमा दी है और शिष्य को कुंभ की उपमा दी है। कुम्हार कौन होता है पता है आपको? जो घड़े तैयार करता है, वो मिट्टी के बर्तन तैयार करता है कुम्हार, पता है ना आपको? तो वो क्या करता है, जिस तरह से गीली मिट्टी लेकर वो इस एक चक्के पर वो गोला रखता है और उसे अपने अपने हाथों से सहारा देकर वो अच्छे से आकार देता है, और जिस उसमें जो उसे हिस्सा नहीं चाहिए वो निकाल निकाल कर वो उसे अच्छे सा आकार देता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, खोट यानी उसकी बुराइयां निकालने का काम करता है वो, उसे जो चीज़ नहीं चाहिए उसमें वो निकालने का काम करता है, उसमें से बुराइयां निकालता है और अच्छाइयां रख देता है, अच्छाइयां लाता है। भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोर, वो क्या करता है? अंदर से सहारा देता है, अंदर से अपने हाथों से सहारा देता है और बाहर से उसे ठोंकता है, उस घड़े को बाहर से ठोकता है ताकि वो अच्छा सा आकार प्राप्त कर सके। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। एक गुरु वैसे ही अध्यापक आपको जब डांटते हैं तब आप क्या करते हो? गुस्सा हो जाते हो, उनके ऊपर नाराज हो जाते हो। तो ये नाराजगी अगर आपने छोड़ दी और किस लिए डांटा इसका आपने शोध लिया तो आपको पता चलेगा कि किस लिए डांटा था, है ना, और आप अपनी गलतियां सुधार कर अच्छा अच्छे मार्ग पर चल सकते हो। इसीलिए अगर किसी अध्यापक ने या फिर आपके माता पिता ने आपको डांटा तो उनके ऊपर गुस्सा न होकर अपनी क्या गलती हुई है उसको अगर आपने सुधारा तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। देखिए यहाँ इस दोहे के माध्यम से बताया गया है कि साई यानी भगवान, साई यानी भगवान, तो भगवान से मांग की है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जामे यानी जिसमें, कुटुंब परिवार, और समाए यानी समा जाना, तो मेरा
कुटुंब मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके इतना ही मुझे दे दो, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। मेरे द्वार पर आने वाला कोई भी अतिथि, कोई भी साधु मेरे द्वार से भूखा नहीं जाना चाहिए, मेरे घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए तुम मुझे इतना ही दो जिसमें मेरा कुटुंब भी अच्छी तरह से सवारे और मेरे द्वार पर आने वाला कोई भी भूखा न जाए, ना मैं भूखा रहूं, इतना मुझे दे दो। इतना भगवान से मांगा है। तिनका कबहु न निंदिए जो पायंतर होए, कबहु कोड़ी आँखी न परे पीर घनेरी होए। देखिए यहाँ पर छोटे छोटा सा पत्ता भी, तिनका कितना छोटा होता है ना, बहुत ही छोटा होता है पत्ता, पर कबहु न निंदिए, उसको उसकी भी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। उसकी अगर निंदा की तो क्या होता है वो देखिए। तिनका कबहु न निंदिए जो पायंतर होए, जो हमारे पैरों के तले हैं, पैरों के नीचे हैं, जो दिखाई भी नहीं देता है, इतना छोटा होता है तिनका, जो हमारे अगर हमने उसके ऊपर पैर रखा तो उचल जाता है, वो हमें दिखता भी नहीं, इतना छोटा होता है। कबहू उड़ी आँखीन परे, कबहू उड़ी आँखीन परे पीर घनेरी होए। देखो अगर ऐसा ही तिनका जो हमारे पैरों के नीचे हैं, जिसकी हम बार बार निंदा कर रहे हैं, अगर वो कब हमारे आंखों में चला जाए, वो हमारे आंखों में चला जाए और हमारे आंखों में बहुत बड़ी पीड़ा कर सकता है, बहुत बड़ा दर्द हमारे आंखों को कर सकता है। छोटा सा तिनका पर दिखने में छोटा होता है, पर वो अगर हमारे आंखों में चला जाए तो बहुत बड़ी पीड़ा हमारे आंखों को कर सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है। वैसे ही छोटे छोटे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने सोचा कि इसका नुकसान करना है तो वो बहुत बड़ा नुकसान हमें कर सकते हैं, इसीलिए किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। माला फेरत झुक गया फिरान मन का फेर, कर का मन का डाली दे मन का फेर। अब देखिए सिर्फ माला फेरत रहने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर मन की माला आपने फेरी तो बहुत कुछ बदलाव आप में हो सकता है। मन के विचार अच्छे होने चाहिए, आप दूसरों के साथ अच्छे कर्म से रहने चाहिए, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। सिर्फ माला फेरने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अपने जो मन का भ्रम है वो हमें निकालना जरूरी है कि मैं सिर्फ माला फेरने से मुझे भगवान सब देगा, मैं ऐसे यहाँ पर बैठा और मैंने फेरी तो क्या होगा, मुझे भगवान देगा, यह गलत फहमी में मत रहो। उसके लिए हमें ही कुछ करना चाहिए और भगवान से हासिल करना चाहिए। अच्छे कर्म करके और अच्छे विचार मन में रख के हम ये सब कर सकते हैं। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। अब देखिए जहाँ पर दया है वहाँ धर्म पाया जाता है, जहाँ पर लोभ है वहाँ पर पाप पाया जाता है, जहाँ पर क्रोध है वहाँ पर काल है, और जहाँ क्षमा यानी क्षमा करने का भाव है वहाँ पर ईश्वर का वास है। आप यानी क्या, ईश्वर, आपका मतलब यहाँ पर दिया है ईश्वर। तो दया करने का भाव भी हमारे अंदर होना जरूरी है, उसके साथ साथ लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ यानी क्या, कि सब कुछ मुझे चाहिए, दूसरों को न मिले, ऐसी भावना जो है वो हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसके जगह पर पाप खड़ा रहता है। उसके बाद क्रोध भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। क्रोध यानी गुस्सा, अगर ऐसा गुस्सा हो तो वहाँ पर काल, काल का मतलब है मृत्यु, मृत्यु के समान बताया गया है क्रोध को। क्रोध आने पर देखो हम होश में नहीं रहते, हम जो कुछ कहते हैं वो होश हवाश में कहते हैं नहीं, हम क्या करते हैं भूल जाते हैं, हम क्या बोले वो भी भूल जाते हैं, और जड़ से किसी को मार भी देते हैं, जड़ से किसी को कुछ बोल भी देते हैं, तो यह क्या है, मृत्यु के समान बताया गया है। क्रोध को मृत्यु के समान बताया गया है। जहाँ क्षमा तह आप, जहाँ क्षमा करने का भाव है वहाँ ईश्वर का वास है।
वहां ईश्वर उसी में पाया जाता है। तो देखिए, तो हमें हमारे अंदर दया होनी चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, क्रोध भी नहीं होना चाहिए और क्षमा करने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी तेरे नाम परी जित देखो तित तू। अब इस दोहे के माध्यम से बताया गया है कि तू तू करता तू भया, इस संसार में जो भी हो रहा है वो सब तू कर रहा है, मुझे जन्म देने वाला भी तू है, इस संसार को चलाने वाला भी तू है। ऐसे ऐसे संतों का कहना है कि तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, तू का अर्थ है अभिमान। तू का अर्थ क्या है? अभिमान। अब मुझ में जरा भी अभिमान बाकी नहीं है, सब करने वाला तू ही है, इसका इसका पता मुझे चल गया है। इसीलिए देखो तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी तेरे नाम परी, बारी यानी न्योछावर कर देना, बारी तेरे नाम परी जित देखो तित तू, जित देखो तित तू। अब सभी जगह पर मुझे तू ही तू नजर आ रहा है, मनुष्य जो जो कर रहा है उससे तू ही करवा ले रहा है, जो कुछ अच्छा हो रहा है वो सब तू करवा कर ले रहा है, बारी तेरे नाम परी चित देखो चित तू। संसार के हर जगह पर मुझे तू ही तू नजर आ रहा है। ये कब होगा? जब हम सच्चे दिल से भगवान को भगवान की प्रार्थना करेंगे तभी ये हो सकता है। और हमारे अंदर का अहंकार जब जाएगा तब सभी जगह पर हमें भगवान का वास नजर आएगा, भगवान का अस्तित्व हमें नजर आएगा। इसीलिए हमें अपने अंदर से अभिमान को नष्ट करना है और हर जगह पर हमें भगवान को ही देखना है, क्योंकि सबको चलाने वाला वही है, आपको भी चलाने वाला वही है, मुझे चलाने वाला वही है और संसार के हर एक प्राणी पशु पक्षी को चलाने वाला वही है। इसीलिए हर एक में भगवान को देखना जरूरी है। यह सब हमें इन दोहों के माध्यम से बताया गया है। बहुत ही अच्छे विचार यहाँ पर संत कबीर और रहीम जी ने रखे हैं। तो यही विचार अगर हमने अपने अपने में उतारे तो आप भी जीवन में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं और यह अच्छे विचार आपको भी अपने जीवन में लाने जरूरी हैं। अभी इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा किसी बड़े दोहे संत कबीर और रहीम जी के जो दोहे हैं इनका अर्थ अभी हमने देखा। आपको इसके शब्दार्थ लिख कर लेने हैं और इस पद्य को इस दोहों को फिर से आपको पढ़ना है। यहाँ पर हमारा सिख भरे दोहे समाप्त होता है।